इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड फाइंड मैट्रिक्स ए बी, तो मैट्रिक्स ए बी लेना है तो बी ए नहीं ले सकते हो. इफ इट इज आस्क्ड फाइंड मैट्रिक्स ए बी, अगर वो कंफर्मेबल है तो फाइंड कर सकते हो. अगर ए बी कंफर्मेबल नहीं है और मन से हम बी ए नहीं फाइंड कर सकते, व्हाट आस्क्ड क्वेश्चन विल बी योर आंसर. जो क्वेश्चन नहीं है वो आपका आंसर नहीं होगा. So, I have the two matrices. In the first matrix, what I have? Two rows and three columns. So, my question is that, अगर पहले matrix में 2/3 rows है, मतलब three columns है, तो ये three columns जो है वो दूसरे matrix के rows होने चाहिए. Three rows होने चाहिए इसमें. इसके rows हो गए three, कुछ भी number लिखो. समझो मैंने लिखा 2, 5, 7, चलो मैंने लिया 3/1, 3/1, चलो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है 3/n, यस 3/n ही नंबर मैं ले सकता हूँ 3/1, एक भी एक पॉसिबल मैट्रिक्स 3/1, ये नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, m/n, n/p. मैं अभी थोड़ा सा आपको मल्टी 3/1 मैं बाद में लेने वाला हूँ. मैं अभी 3/3 लेता हूँ. 2, 5, 7, 1, 3, 2, -1, 8, 5. मेरा क्या है 3/3 मैट्रिक्स है. ओके तो मेरा क्वेश्चन है वेदर द ए बी इज पॉसिबल. क्या ए बी पॉसिबल है? सब लोगों को पूछ रहा हूं मैं. इधर ए बी इज पॉसिबल. आई एम आस्किंग यस इधर ए बी इज पॉसिबल. सभी ने आंसर देना है यस ए बी पॉसिबल है. अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी. ए बी का ऑर्डर बोलिए 2/3, 3/3, तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ए बी. यस ऑर्डर ऑफ ए बी विल बी व्हाट. ऑर्डर ऑफ ए बी विल बी यस बराबर है. ये हमारा है 2/3 और बी है हमारा 3/3. ये दोनों इक्वल है. ये दोनों इक्वल होने के बाद इसको छोड़ देते हैं हम और ऑर्डर ऑफ ए बी विल बी व्हाट 2/3. यू आर राइट ऑर्डर ऑफ ए बी 2/3. अब मेरा क्वेश्चन क्या है कैसे फाइंड करना है मैट्रिक्स ए बी. तो बहुत सिंपल है. अभी हम आपको बता दें कैसे करते हैं मैट्रिक्स ए बी का मल्टीप्लीकेशन. तो व्हेन यू हैव द टू मैट्रिसेस. अब फिर से मैं इसमें और एक क्वेश्चन पूछता हूँ ए बी के बाद में. क्या बी ए पॉसिबल है? क्या बी ए पॉसिबल है? वेदर बी ए पॉसिबल है? तो मुझे सभी से उम्मीद है आंसर की यस बी ए इज नॉट पॉसिबल. बी ए पॉसिबल नहीं है मतलब सिर्फ ए बी पॉसिबल है. ओके तो चलो हम ए बी कैसे फाइंड किया जाता है. अब बहुत हुआ थ्योरेटिकल डिस्कशन. यस बी ए इज नॉट पॉसिबल. हाउ टू फाइंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस मैट्रिक्स ए एंड बी. हाउ दे आर मल्टीप्लाइड. ऑर्डर सेम नहीं. ऑर्डर सेम नहीं ये रीजन नहीं है. पहले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे के नंबर ऑफ रोज सेम नहीं है. एम बाई एन और एन बाई पी तो वो एन सेम चाहिए. So let us consider is these two matrices and we will multiply these two matrices. चलो हम ये दोनों को multiply करने जा रहे हैं. How to multiply these two matrices is our work.
व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी टू मैट्रिसेस आपको क्या लेना है, पहले बताते हैं। पहले मैट्रिक्स का अभी ये छोड़ दो, हाँ कब मल्टीप्लाई होता वगैरह, वो तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम आप लेके जाएंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ओर। जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो गए तो आपको मल्टीप्लाई करने का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। व्हेन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड देन एंड देन द क्वेश्चन विल बी ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो भी क्वेश्चन आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की ओर, अदरवाइज नॉट पॉसिबल क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स अगर हम मल्टीप्लाई कर सकते हो तो भी क्वेश्चन आएगा फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हाउ वी फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज अवर क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो कैसे फाइंड किया जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, तो लेट अस कंसीडर टू डिफरेंट मैट्रिसेस। समझो हमारे पास कुछ दो मैट्रिसेस है, इफ यू हैव टू मैट्रिसेस, सपोज आई हैव द मैट्रिक्स ए, छोटे मैट्रिक्स से शुरुआत करते हैं 2x3 से, तो 1, 2, 5 थ्री कॉलम चाहिए ना, 3-1, 8 2x3। और मैट्रिक्स बी जो होगा तो मेरा क्वेश्चन है हाउ मेनी रोज मैट्रिक्स बी मस्ट हैव, बी को कितने रोज चाहिए। ए बी फाइंड करने के लिए बी को 3 रोज चाहिए, ये तो हम 3 रो ले लेंगे 1, 2, 4, 5, 3, 7 खेल खत्म। तो इसका ऑर्डर है 3x2। चलो हम मल्टीप्लीकेशन फाइंड करेंगे, ए बी हियर ए इज 2x3 एंड बी इज 3x2, ए बी एग्जिस्ट, पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल है। अब हम ए बी कैसे फाइंड करेंगे, पहला मैट्रिक्स लिखेंगे ऐसा, ये वी आर गोइंग टू फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस ए एंड बी। ये देखो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, पहला हमारा ये मैट्रिक्स होगा ए 1, 2, 5 3-1, 8 और दूसरा मैट्रिक्स होगा हमारा ए बी, देखो बी कैसा है 1, 2, AB। तो बहुत सिंपल है, हम आपको बता दें ये 2x3 है और ये 3x2 है, मल्टीप्लीकेशन करना है। अभी हम बाकी चीजों को लिए ध्यान नहीं दे रहे, हम कुछ भी नहीं सोच रहे, कुछ भी नहीं, नो थिंकिंग, हमें सिर्फ सोचना है कि मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, हाउ वी फाइंड द मल्टीप्लीकेशन। ए बी एग्जिस्ट, ये लिखो आप लोग, मुझे ये आगे मल्टीप्लाई करना है। मेरा क्वेश्चन है वेदर बी एग्जिस्ट, my question is that whether BA will exist or not, abhi mera question hai ha barabar hai, what is the order of BA, BA ka order kya hoga, what will be the order of BA। हम तो जा रहे हैं ए बी फाइंड करने, पर बी ए का ऑर्डर क्या होगा, बी ए का ऑर्डर आदित्य वो बी ए का ऑर्डर, आदित्य हाँ दूसरा आदित्य, बी ए का ऑर्डर पूछा मैंने, बी ए का व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बी ए,
हम फाइंड करने जा रहे हैं ए बी पर, बी ए का ऑर्डर क्या होगा? बी ए होगा 3/2, 2/3 मतलब ऑर्डर क्या होगा बाकी लोग? हाँ 3/3, 3/3 विल बी द ऑर्डर ऑफ बी ए। अब चलो हम, मैं आप पूछता हूँ ए बी का ऑर्डर क्या होगा। चलो बी ए छोड़ दिया अभी, हम ए बी का ऑर्डर बोलिए क्या होगा ऑर्डर बी ए बी का, ए बी का ऑर्डर बोलो ए बी का, बराबर है? यस, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए बी? चलो ठीक है 2/2। बस अभी मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो वी राइट द टू मैट्राइसेस। व्हाट आर द टू मैट्राइसेस? लेट मी राइट द फर्स्ट मैट्रिक्स ए इनटू बी में 1, 2, 5, 3-1, 8। और मेरे पास ये दूसरा मैट्रिक्स है 1, 2, 4, 5, 3, 7। ये मैं काम करता हूँ, मैं इसको 1 लेता हूँ, अब भी 1 लीजिए, चेंज करो। नंबर क्या है? थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई वे से जाएंगे। अब हम फाइंड करेंगे मैट्रिक्स ए बी। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। पहले मैट्रिक्स का रो आपको लेना है, रो कंप्लीट, एक एक रो, पहला रो दूसरा रो, ऐसे पहले आप पहला रो लेने वाले, बाद में दूसरा रो। दूसरे मैट्रिक्स का आपको कॉलम लेना है, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम। होता क्या है, पहले मैट्रिक्स का पहला रो दूसरा रो आगे जाएंगे, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम दूसरा कॉलम हो गए तो आगे जाएंगे। अभी क्या करना है आपको, पहले मैट्रिक्स का पहला रो लिया हमने, पहला रो क्या है 1, 2, 5, वो किसको मल्टीप्लाई करना है? दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम को। ये ऐसा हॉरिजॉन्टल अरे वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे? हर एक का पहला एलिमेंट पहले को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब ये 1, 2, 5 लिया, अरे 1, 4, 3 लिया, तो पहला एलिमेंट पहले को मल्टीप्लाई करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे को मल्टीप्लाई करेगा, और तीसरा एलिमेंट तीसरे को मल्टीप्लाई करेगा। लिख लो ये सिचुएशन फिर से। पहले हम क्या लेंगे, पहला कॉलम ये 1, 2, 5, और इधर से क्या लेंगे 1, 4, 3 पहला कॉलम, फिर ये 1, 1 को मल्टीप्लाई करेगा, 2 ये दूसरे नंबर को, और 5 तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। ये होगा हमारा मल्टीप्लीकेशन, और ये सभी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 1 × 1 = 1, 2 × 4 = 8, 5 × 3 = 15, उसका एडिशन हमारा पहला रो और पहले कॉलम का एलिमेंट मिलेगा, पहला रो एंड पहले कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। एक ही एलिमेंट से हमें पता लगता है, एक ही एलिमेंट हमने बताया, यस, उसका एडिशन करना है। 1 + 8 + 15, 1 + 8 + 15, फिर से हम बता रहे हैं आपको, आपको हमने स्पेशल बताया था। तो पहला रो पहले कॉलम को मल्टीप्लाई होगा, तो ये पहला ऐसा और ऐसा, पहले से लेंगे रो और सेकंड से ले लेंगे कॉलम, और करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट टू सेकंड, थर्ड एलिमेंट टू सेकंड। मेरा क्वेश्चन है, हमने कौन सा रो लिया? पहला रो, और किसके साथ मल्टीप्लाई? फर्स्ट कॉलम, तो ये प्लेस होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये प्लेस है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, ये प्लेस है अगर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अगर आगे जाना चाहे, ये प्लेस है थर्ड रो सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड, सेकंड रो थर्ड, अगर आगे जाएंगे थर्ड रो फर्स्ट थर्ड, ऐसा। तो प्लेसेस मिल, प्लेसेस से एलिमेंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस हमें, तो पहला रो पहला कॉलम 1 × 1 = 1, 2 × 4 = 8, 5 × 3 = 15, ये हुआ हमारा एक एलिमेंट एडिशन होते 24, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ। अभी हमको क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होने के बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा, तो हम इधर आएंगे, तो ये 1, 2, 5 हमारे 2, 5, 1 को मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 × 2 = 2, 2 × 5 = 10,
और 5 × 1 5, दिस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई हुआ, आगे कॉलम नहीं तो रुक जाएंगे। अभी ये रो ने सभी कॉलम को मल्टीप्लाई किया, ये रो का काम हुआ, आप कौन सा रो ले लेंगे, आप विच रो विल यू कंसिडर, मैट्रिक्स ए का कौन सा रो आप कंसिडर करोगे, पहले मैट्रिक्स का कौन सा रो लेना है आपको, विच रो, पहला रो हुआ ना, तो अब कौन सा रो कंसिडर करोगे, सेकंड रो, तो सेकंड रो में क्या होगा, ये सेकंड रो इसके पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, फिर सेकंड रो इसके दूसरे कॉलम को, समझ में आ रही बात, तो 3 × 1 3 −1 × 4 −4 और 8 × 3 = 24। अब लास्ट एंट्रीज बताइए, पहला रो पहला कॉलम पहला रो दूसरा, अभी दूसरा रो फर्स्ट कॉलम दूसरा रो सेकंड कॉलम, 3 × 2 6, इसमें से पहला एलिमेंट पहले को, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को, −1 × 5 और +8 × 1, ये प्रोसेस होती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, 3 × 2 6, हाँ 3 × 2 6 −5 8 1 8 3 1 3 −4 8 3 24। अब ये हुआ हमारा मल्टीप्लीकेशन, सो टेल मी द फाइनल मैट्रिक्स, व्हाट इज योर फाइनल मैट्रिक्स, सिंपल है 24, +2 = 17, यस लास्ट एलिमेंट 23 9, दिस इज योर फाइनल मैट्रिक्स, दिस विल बी योर फाइनल मैट्रिक्स, राइट डाउन द फाइनल मैट्रिक्स, सी द मल्टीप्लीकेशन। अब हम बी ए फाइंड करेंगे, बी ए कैसा उल्टा लिखेंगे, ये था ए बी, अब बी ए में क्या होगा, पहले मैट्रिक्स बी होगा, क्या है मैट्रिक्स बी, 1 2 4 5 3 1, ये होगा हमारा मैट्रिक्स बी ए, बी ए विल बी, BA will be this matrix. करो भला सवाल, अभी पहला रो लेना है, यू विल कंसिडर द फर्स्ट रो, फिर इधर से लेना है कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सिमिलरली थर्ड रो फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, ऐसा आता है, तो इट विल बी, पहला रो पहला कॉलम 1 2 1 3
1, 2, and 3 तो पहला नंबर पहले का 1, 1 into 1, 2 into 3, 6 वन अभी पहला रो दूसरा कॉलम 1 into 2, 2 2 into -1, -2 पहला रो तीसरा कॉलम 1 into 5, 5 2 into 8, 16 अब दूसरा रो पहला कॉलम 4, 1 are 4, 5, 3 are 15 गलती नहीं करने की दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा रो दूसरा कॉलम 4, 2 are 8, -5 सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 into 5, 20, 5 into 8, 40 हर जगह मैं ये कर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन करना है अब आप खुद करो ये मैंने क्या लिखा है इम्पोर्टेंट नहीं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 into 1, 3, 1 into 3, 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम 3, 2 are 6 थर्ड रो थर्ड कॉलम 3, 5 are 15 टू फाइंड ऑल द एडिशन यू विल गेट द करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स सेवन जीरो फाइव प्लस क्या है 1 + 5 + 16 है 5 + 16 है 7, 0, 21 15 + 4 = 19, 3, 60 ये रिपीट नहीं होगा दूसरा प्रॉब्लम ले लेंगे रिपीट नहीं होगा सेकंड प्रॉब्लम 60 बराबर है और 3 + 3 = 6 6 होगा 9 नहीं और 6 - 1 = 5 होगा अरे 23 ये 3 + 3 3 1s are 3, 3 1s are 3 6 होगा थर्ड रो का पहला एलिमेंट 6 होगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड रो विल बी 6 हाँ 5 + 16 ना ठीक है चलो हम फिर से बताएंगे रिपीट नहीं करना था बट फिर से बताएंगे पहला रो क्या है 1, 2 पहला कॉलम क्या है 1, 3 तो फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई होता है कीप इन माइंड पहला नंबर पहले को दूसरा नंबर दूसरे को तो ये 1, 2 है ना 1, 2 ये 1, 3 को मल्टीप्लाई होगा बराबर है 1 into 1, 1 2 into 3, 6 सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैसा ये फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम इसके रो होंगे पहले मैट्रिक्स के दूसरे के कॉलम 1 into 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा 1 into 2, 2 1 into 2, 2 और ये 2 into -1, -2 अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम व्हाट विल बी योर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम पहला है 1 into 5, 5 और ये 2 into 8, 16 फर्स्ट रो पहला एलिमेंट पहले को दूसरा दूसरे को तीसरा तीसरे को ऐसा रहता है अब हमारा कॉलम और नंबर रो तो वही है बट कॉलम एंड हो गए तो अभी आगे जाएंगे नहीं अभी फिर मल्टीप्लीकेशन तो करना है तो इसका सेकंड रो लेंगे फिर बाद में थर्ड रो लेना है तो सेकंड रो क्या है 4, 5 वो 4, 5 ये सभी को ऐसा वर्टिकल होके मल्टीप्लाई करेगा 4 into 1, 5 into 3, 15 ये 4, 5 ऐसा वर्टिकल होके उनको मल्टीप्लाई करेगा 4, 2 are 8, -5 4, 5 ऐसा वर्टिकल होके सभी को मल्टीप्लाई करेगा 4, 4 are 16, 5, 8 are 40 4, 5 are 20 and 5, 8 are 40 ओके okay.
अब फिर क्या होगा, लास्ट रो कौन सा है, 3-1, ये 3-1 सभी को मल्टीप्लाई करेगा वर्टिकल होके, 3-1s are 3, 1, 3, 3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, अभी थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3-2s are 6, 3-2s are 6 minus 1, 3-5s are 15 plus 8, so you can find the addition. चलो हमने अभी बहुत क्लियर बताया, ये रो वर्टिकल होके हर एक को मल्टीप्लाई करेगा और ऐड करके उधर लिखना है आपको, बस रो कॉलम, पहला सफिक्स रो का होता है, दूसरा सफिक्स कॉलम का, इसलिए पहले मैट्रिक्स का रो लेना है, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेना है और आपको मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है. दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस. यू कैन फाइंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू मैट्राइसेस, कुछ भी मैट्राइसेस हो अब उसका मल्टीप्लीकेशन फाइंड कर सकते हो. इट डजंट रिक्वायर एनीथिंग, कुछ भी नहीं लगता है जब हम आप मल्टीप्लीकेशन करोगे वॉट एवर मे बी द मैट्रिसेस. अभी हम आप लोगों ने पूछा ऑर्डर सेम, ऑर्डर सेम अभी सब भूल जाइए. मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में आपको समझ में आया कि वेन वी हैव टू मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस एंड हाउ टू मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस. हाउ टू इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेन जब क्वेश्चन आया तो वेन आता है, जब आपको पूछा किसी ने फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स तो आप फाइंड करोगे. अगर क्वेश्चन ही नहीं है फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स तो आप फाइंड नहीं करोगे. बट हाउ टू मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स, ये सभी क्वेश्चन में ऐसा ही मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसलिए तो ये सिंपल होता है. मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू मैट्रिसेस इज डन बाय दिस वे, दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, और पहले मैट्रिक्स का रो ये कॉलम के सामने आता है और हर एक नंबर हर एक को मल्टीप्लाई करके उनका एडिशन होता है, एंड दिस एडिशन बिकम्स द नंबर, एंड दैट नंबर इज द नंबर ऑफ करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम. अब मैं आपको पूछता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ. मुझे प्रोडक्ट, एक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है दो मैट्रिक्स, क्वेश्चन सुन लो. इफ इन द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, मुझे अगर सेकंड रो और थर्ड मैट्रिक्स थर्ड कॉलम का नंबर चाहिए, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम का, मतलब मुझे एट प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट को मैट्रिक्स को हम सी से डिनोट करेंगे, तो मुझे सी टू थ्री चाहिए, तो मैं कौन से मैट्रिक्स का कौन सा रो कौन से मैट्रिक्स के कौन से कॉलम को मल्टीप्लाई करूँ. मुझे प्रोडक्ट का 2-3 वाला नंबर चाहिए, सेकंड रो और थर्ड कॉलम वाला. हमने क्या पूछा है, मुझे 2-3 एलिमेंट चाहिए, मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट चाहिए मुझे प्रोडक्ट के, तो मैं पहले मैट्रिक्स का कौन सा रो और दूसरे मैट्रिक्स का कौन सा कॉलम, यानी कौन से मैट्रिक्स का कौन सा रो और कौन से मैट्रिक्स का कौन सा कॉलम मल्टीप्लाई करें तो हमें 2-3 मिलेगा. सेकंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड थर्ड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है. मुझे अगर 3-2 चाहिए तो एलिमेंट 3-2 चाहिए तो हमने पूछा 2-3, मुझे 3-2 चाहिए तो ये आपने बहुत ये बताया, ऐसा सिंबॉलिक फॉर्म में बताया, 3-2 करो, थर्ड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करो और पहला एलिमेंट पहले को, दूसरा दूसरे को, तीसरा, ये हुआ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. जब कभी आपके सामने मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस आएंगे, अब मुझे सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट चाहिए 2-2, 3-2-2, तो
सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट चाहिए, तो कैसे करेंगे? यस, तो सेकंड रो ने सेकंड रो कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हमारे कुछ जैसे हमने एडिशन में बताया था ए प्लस बी सेम एज बी प्लस ए, बट क्या मैट्रिक्स में ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा? वेदर इन द मैट्रिक्स ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा? चलो हम छोड़ देंगे इसको, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अभी तो मल्टीप्लीकेशन ही शुरू हुआ, अभी तो और कुछ आगे है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है वेदर ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा। ऑलवेज वेदर ए बी एंड बी ए आर ऑलवेज इक्वल। क्या ए बी और बी ए ऑलवेज इक्वल होते हैं? क्या हमने क्वेश्चन पूछा है? नो, दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल। पहला सवाल रहता है उसमें तो कभी कभी ए बी होगा, कभी कभी बी ए होगा, मल्टीपल उनके एग्जिस्टेंस का ही प्रॉब्लम आता है। यस, दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल, नॉट ऑलवेज इक्वल। उसके लिए रीजन क्या है? पहला रीजन है, एक एक तो एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम है, एग्जिस्टेंस। दूसरा रीजन है इक्वालिटी का भी प्रॉब्लम है, इक्वालिटी। वो इक्वालिटी हमने देखी नहीं, बट एग्जिस्टेंस जरूर देखा है। ए बी एग्जिस्ट होगा, बी ए नहीं होगा, बी ए होगा बट ए बी नहीं होगा। दोनों एग्जिस्ट होने के बाद इक्वालिटी नहीं आ सकती, दोनों एग्जिस्ट होने के बाद। सो आपके लिए मैं कुछ प्रॉब्लम देने जा रहा हूँ टू फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है, यू विल फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है, एक मिनट में आपको फास्ट लिखना है, यू विल फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू मैट्रिसेस। क्या है मैट्रिक्स में? इस मैट्रिक्स में नहीं होगा, क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा मैट्रिक्स में? हाँ, मैट्रिक्स में ए बी इक्वल्स टू बी ए नहीं होगा। गुड, होगा नहीं होगा मालूम नहीं है ना। तो शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। यस, तो आपको उसके लिए क्वेश्चन है, पहले में लिखो मैट्रिक्स ए। लेट मी राइट ऑल द प्रॉब्लम्स। चलो फास्ट आपको लिखना है, फास्ट फटाफट। सो दैट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए इन ऑल द केसेस। सो दैट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए इन ऑल द केसेस। आपको प्रूव करना है कि सभी केसेस में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होगे। तो शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, पहला प्रॉब्लम ए इक्वल टू 5-1, 6-7 मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स विल बी, यू विल हैव द टू मैट्रिसेस इन इट। जल्दी लिखो, कम टाइम है हमारे पास। 2-1-3-4 दूसरा मैट्रिक्स कंपलसरी है सभी के लिए। ए विल बी -1-1-0, 0-1-1 और बी विल बी, दो मैट्रिक्स है, बी विल बी 1-2-3, 0-1-0, 1-1-0। दीज आर द टू क्वेश्चंस टू सॉल्व एज यूर वांट, सो दैट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ए बी फाइंड करोगे, फिर बी ए फाइंड करोगे एंड देखेंगे। देखो ये अभी इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है बट इक्वल नहीं आता है। पहले हमने बताया था ना एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम आता है,
बट इक्वल नहीं आएंगे, इसमें भी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है बट इक्वल नहीं आएंगे। इसमें ये 2, 3, 4 है थर्ड रो, पहले ए का मैट्रिक्स में 2, 3, 4 है। यस ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए सो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। थैंक यू वेरी मच।